नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को कांग्रेस इस बार अलग तरह से मना रही है। महात्मा गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस द्वारा हर राज्य की राजधानी से लेकर जिला व ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत 6 अक्टूबर को उदयपुर जिले के गोगुंदा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नारायण पालीवाल के नेतृत्व में कांग्रेस के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली। पदयात्रा प्रताप सर्किल के समीप स्थित कांग्रेस कार्यालय से आरंभ होकर गोगुंदा बस स्टैंड होते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर मांगीलाल ग्राशिया के निवास पर पहुंची। पदयात्रा में ब्लॉक अध्यक्ष नारायण पालीवाल, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष मांगीलाल चौधरी, क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष हरि सिंह जाला, फतेहलाल चौधरी, मोड़ी सरपंच पैलास सिंह जाला, पूर्व सरपंच केसुलाल खेर, निर्भय सिंह जाला, अमराराम गमेती, दिलीप गमेती, ब्राह्मणों का कलवाणा के वाला राम गमेती, योगेश तेली, कमलेश लोहार सहित कई कांग्रेसजन शामिल थे। वहीं कई महिलाएं भी पदयात्रा में शामिल हुई। पदयात्रा के माध्यम से लोगों को गांधी के सिद्धांतों को जीवन में उतारने का संदेश दिया गया। उसके बाद डॉक्टर मांगीलाल ग्राशिया के निवास पर सभागार में संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसे देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह जाला, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हरि सिंह जाला, ब्लॉक अध्यक्ष नारायण पालीवाल, केसुलाल खेर, देहात जिला उपाध्यक्ष नाथूलाल मेघवाल, रमेश सुधार, अशरफ मोहम्मद सहित कई कांग्रेस जनों ने संबोधित किया। देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह जाला ने कहा कि देश की एकता व अखंडता को बचाने के लिए गांधी के विचारों को ग्रहण कर उनके बताए सिद्धांतों पर चलना जरूरी है। महात्मा गांधी देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह, कई सारे ऐसे आंदोलन किए महात्मा गांधी ने, और बिगर हिंसा, अहिंसा के माध्यम से, हिंसा ना हो, अहिंसा के माध्यम से देश को आज़ादी दी। सभी जाति सभी कौम को उन्होंने साथ दिया, सबको एक जाति में बिठाया, ना भेदभाव है, ना ऊंचा है, ना नीचा है, सभी समानता हो, सबको मिलकर साथ चले और देश को आज़ादी दिलाई। राष्ट्रपिता के नाम से उनको जाना जाता है, पूरा विश्व महात्मा गांधी जयंती मनाता है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। आज उनमें से महान पुरुष की 150 जयंती कांग्रेस पार्टी मना रही है, वो लगातार उनकी जन्म जयंती कांग्रेस पार्टी मनाती रही है। दूसरी पार्टी के लोग आज मना रहे हैं कि महात्मा गांधी का उनका रास्ता नहीं है। इसलिए आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जन्म जयंती पूरे विश्व में, पूरे देश में मनाई जा रही है। हम सबका धर्म बनता है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास क्या है, जो आज जो आने वाली पीढ़ी है, नौजवान, उनको मालूम नहीं कांग्रेस पार्टी का इतिहास क्या है, महात्मा गांधी क्या है, जवाहरलाल जी नेहरू क्या है, लाल बहादुर जी शास्त्री क्या है, इंदिरा जी क्या है, राजीव जी क्या है, देश के लिए उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, ये हमें समझाने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा इतिहास है। हम सब मिलकर आने वाले समय के अंदर देश के अंदर चुनौतियाँ हैं, जाति और धर्म के नाम से देश को बांटा जा रहा है, यहूद जाति का धर्म से लड़ाई झगड़े कराए जा रहे हैं, आज देश कहाँ चला गया, इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी सभी जाति और धर्म को साथ लेकर इनका मुकाबला करे। जाति और धर्म के नाम से राजनीति करना चाहते हैं, जाति और धर्म नाम से जहर बोलना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी है, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है, विकास की गति को आगे दिए। लाल सिंह जाला ने पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को ईमानदारी के साथ कड़ी मेहनत करने की बात भी कही। सत्ता राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की, मांगीलाल जी ग्रह से हम पूरी ताकत लगाते हैं, मेहनत करते हैं, आज ये दिन आपको नहीं देखने पड़ते, इसके कम वोट से हम हार गए, किसकी जिम्मेदारी है, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, कहाँ कमी खामी रही, आने वाला पंचायत चुनाव कैसे ठीक कर सकते हैं, मेहनत करनी चाहिए आदमी को, घर बैठ के हम कहते हैं चुनाव जीत जाए, किसी कीमत पर तुम चुनाव नहीं जीतते हो, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, गाँव डाणी में आपको जाना पड़ेगा, आप कहते हो लाला बाबू सुन के चले जाए, ये संभव नहीं है, आपका काम आपको करना पड़ेगा, मेरा काम मुझे करना पड़ेगा, मांगीलाल जी काम मांगीलाल जी करना पड़ेगा, पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं, हम राज का सुख भोगना चाहते हैं, राज का सुख ऐसे नहीं भोग सकते हो, राज सुख भोगने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, गरीब काशकार मजदूर के बोलना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, उसका मन जीतना पड़ेगा, वो क्या चाहता है, उसके मन में क्या है, ये सब चीजें हम करेंगे तब तो हम सत्ता में वापिस भागीदारी, पंचायत चुनाव में भागीदारी निभा सकते हैं। ये काम हमारे पास नहीं है, हम सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, तो आप दिमाग से निकाल देना, समय मेहनत है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा दे, अभी तक सारी व्यवस्था करें, सारे परिणाम मेहनत से आते हैं, बिगर मेहनत में चाहूँ घर बैठ के सारा खेल कर दो, किसी कीमत पर नहीं होता है, भ्रष्टाचार, बेईमानी, गलत काम जो भी हो रहे हैं, नेता की जिम्मेदारी, कांग्रेस पार्टी की, हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, हम कैसे रोके, ये काम हम करेगा कांग्रेस पार्टी, आज
आगे बढ़ेगी। वहीं लाल सिंह झाला ने ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर कहा कि गोगुंदा व सायरा ब्लॉक में नई पंचायतों के गठन को लेकर प्रस्ताव भेजे गए हैं। वहीं जिले में 3-4 पंचायत समितियों का गठन भी किया जा सकता है। राजस्थान में पंचायती राज का पुनर्गठन हो रहा है, उसकी डेट भी 5 तारीख नवंबर तक बढ़ गई है। जिस पुनर्गठन में लोगों ने जो प्रस्ताव दिए थे एसडीएम के माध्यम से, कलेक्टर साहब के माध्यम से सरकार को प्रस्ताव भेजे गए हैं। गोगुंदा पंचायत समिति और 4-5-6 पंचायतें बन सकती है, सायरा पंचायती और 5-6 पंचायतें बन सकती है, और जो अन्य जिले के अंदर पंचायत समिति 3-4 है उनके प्रस्ताव गए हैं। जो सरकार निर्णय करेगी उस निर्णय के अंदर ये पुनर्गठन काम पूरा हो जाए। ए भाई सब्सक्राइब करो डेली राजस्थान चैनल को। आप सभी डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो।